एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हमारा चैप्टर होने वाला है मूल निवासियों का विस्थापन। ये 11th क्लास के हिस्ट्री का 10वां चैप्टर है। इसका ये पार्ट 1 है, इसके बाद इसके पार्ट 2 को भी बनाया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मूल निवासियों के विस्थापन के बारे में। क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 10th, सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है उपनिवेशिक विस्तार क्या है। तो उपनिवेशिक विस्तार के बारे में जानते हैं। देखिए 17वीं सदी की बात है, 17वीं सदी की बात है। इसके बाद क्या हुआ था, जो स्पेन था और पुर्तगाल था, अमेरिका साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ। मतलब स्पेन पुर्तगाल में क्या हुआ, अमेरिका जो था उसके साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ। फ्रांस जो है, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपने व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। जो खुद का देश था उसने अपना विस्तार नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो थे वो दूसरे जो लोग थे जैसे फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, इनके देश में आकर अपना विस्तार किया, अपने मतलब बिजनेस को शुरू किया और इनके जगह पर आके खुद से अपना बिजनेस शुरू करना चालू कर दिया। लेकिन वहीं पे अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन ने खुद को विस्तार नहीं किया, पुर्तगाल ने खुद को विस्तार नहीं किया, अमेरिका के साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ। तो यही है औपनिवेशिक विस्तार। मतलब एक देश जो खुद का विस्तार नहीं कर पाता है और वहाँ पे दूसरे लोग आके उसमें अपना विस्तार कर लेते हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, वहाँ पे अपने लोगों को बसाना शुरू कर देते हैं और अपने हिसाब से उनको हैंडल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में इसे हम क्या कहेंगे, औपनिवेशिक विस्तार के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा स्पेनी और पुर्तगालियों का प्रवास। प्रवास का मतलब होता है ठहराव, रुकना, कहीं भी अपने आप को एस्टेब्लिश करना। तो स्पेन जो था और पुर्तगाल के लोग जो थे वो क्या किए, 18वीं सदी में अमेरिका की और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। अप्रवासी मतलब जो वहाँ के लोग नहीं थे वो लोग आके यहाँ पे बसने लगे। इस प्रक्रिया ने क्या किया, वहाँ के जो मूल निवासी थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, वासिंदे थे, उनको वहाँ से जाने पे मजबूर होना पड़ा। हालांकि ये बात जबरदस्ती किया गया था। मतलब सपोज कर लो कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार मेरा घर है जहाँ पे मैं जन्म लिया, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के यूपी के लोग आ गए और हमें यहाँ से आके अब दिल्ली में बसना पड़ा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, यहाँ से मेरा विस्थापन हो जाएगा। मैं यहाँ का तो मूल निवासी था बिहार का, लेकिन किसी मजबूरी बस या जबरदस्ती मुझे किसी ने वहाँ से हटा दिया, मैं किसी और इलाके में जाके बस गया। तो ऐसे लोगों को प्रवासी कहते हैं। और यही हुआ, मूल जो निवासी थे वहाँ के उनका विस्थापन हुआ। क्यों, क्योंकि जो उनका घर था वहाँ पे और लोग आकर बसने लगे, जिस कारण से इन्हें अपने इलाकों से जाने पे मजबूर होना पड़ा। अगला स्लाइड हमारा कहता है कॉलोनी क्या है। कॉलोनी भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 17वीं सदी में क्या हुआ, यूरोपीय लोग दूसरे महादेश में अपना प्रवास स्थापित किया, क्योंकि जहाँ इनका मूल निवास था वहाँ पे तो वो दूसरे लोग आ गए थे, फ्रांस, ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग आके रहने लगे। तो ये वहाँ से हटके दूसरे महादेशों में जाके प्रवास करने लगे, मतलब रहने लगे। तो यूरोपीय लोगों जहाँ ऐसी बस्तियाँ बनाया ना, जहाँ पे ये लोग रहने लगे, जहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे कॉलोनियाँ या गांव, बस्ती, सिटी जो भी बनाया, उसे हम कॉलोनी के नाम से जानते हैं। कॉलोनी कहा गया इन्हें। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कॉलोनी भी। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है उपनिवेशों को देश का दर्जा। मतलब ये जो उपनिवेश थे जो एक जगह से दूसरे जगह जाके बसे थे, इनको एक कंट्री का दर्जा कब मिला, तो जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बासिंदे। बासिंदे का मतलब होता है लोग, मतलब उसके अंतर्गत आने वाले इंसान। वो क्या किए, यूरोपीय मातृ देश से स्वतंत्र हो गए। मतलब जहाँ उनका मूल निवास था वहाँ से वो लोग अलग हो गए, तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। मतलब जहाँ पे उन्होंने कॉलोनी बसाया, जहाँ पे वो रहने लगे, जहाँ पे वो प्रवास लिए, उन्हें वहाँ का देश का दर्जा प्राप्त हो गया, उन्हें वहाँ पर स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। आगे है हमारा सेटलर क्या है, जिसे हम आबादकार भी कहते हैं। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में
ब्रिटिश के लिए तथा अमेरिका में यूरोप लोगों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। ध्यान से समझिएगा, सेटलर किसे कहते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका जो था उसमें डच जो लोग थे उनके लिए सेटलर का उपयोग किया जाता था। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए मतलब अंग्रेजों के लिए इन शब्द का उपयोग किया जाता था, तथा अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए सेटलर का उपयोग किया जाता था। यह एक शब्द है जिसका उपयोग अलग अलग देश में अलग अलग लोगों के लिए किया जाता था। आगे का पॉइंट हमारा कहता है नेटिव क्या होता है, तो नेटिव ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था, मतलब जहाँ पे वो रहता है। अगर मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ था, मेरा यहाँ भी जन्म स्थान है, तो ऐसे लोगों को नेटिव कहा जाता था। 20वीं सदी में क्या हुआ, आरंभिक वर्षों में यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदे के लिए प्रयोग किया जाता था। नेटिव का इंग्लिश अर्थ भी होता है अपना, मेरा। तो अगर कोई ऐसा इंसान जो उसी स्थान पे रह रहा हो जहाँ पे वो पैदा लिया था, तो ऐसे लोगों के लिए नेटिव शब्द का उपयोग किया जाता था। और शुरुआत में आरंभिक समय में यह यूरोपीय लोगों द्वारा, जो यूरोप के लोग थे वो अपने उपनिवेश के बासिंदे के लिए करते थे, मतलब कि जो यूरोप से अलग होके कहीं और जाके बस गए थे और अब वहाँ पे एक राज्य या देश घोषित हो गए थे, उनके लिए इन लोगों ने क्या शब्द का उपयोग किया, नेटिव, मतलब ये उनका अपना स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बेमपुट बेल्ट। बेमपुट बेल्ट क्या है, रंगीन सीप। आपने पानी के अंदर एक सीप देखा होगा जो समुद्र में ज़्यादातर मिलता है, नदियों में भी प्राप्त होता है, तो रंगीन सीपियों से इसे मिलकर बनाया जाता था। इसे जोड़ जोड़ कर एक बेल्ट टाइप का बनाया जाता था, पट्टे टाइप का बनाया जाता था। और यह किसी समझौते के कारण, मतलब उस समय तो आपको पता है कि लोग कॉलोनी में तो कम लेकिन कबीलों में ज़्यादा रहते थे, हालांकि अभी हम उस कॉलोनी को कबीला भी कह सकते हैं। कबीले का एक सरदार हुआ करता था और वो सरदार वहाँ का मुखिया होता था, उसके अंदर कई सारे गाँव होते थे, कई सारी बस्तियाँ होती थी, इनके आपस में भी समझौते होते रहते थे। तो इन समझौतों के लिए ये इन्हीं सिप से बनी बेल्ट का आदान प्रदान किया करते थे, जिससे यह समझौता कायम रहता था। इसे ही हम बेमपुम बेल्ट कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बेमपुम बेल्ट किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि यह एक रंगीन सीप से मिलकर बनाया जाने वाला बेल्ट था, जो उस समय आपसी कबीलों के समझौते का एकमात्र प्रमाण हुआ करता था, जो ये आपस में आदान प्रदान किया करते थे। नेक्स्ट है हमारा 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान कैसे करते थे। देखिए, साक्षरता मतलब कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, संगठित धर्म एक ही धर्म के मानने वाले या फिर ऐसा धर्म हो जो संगठित हो, दूसरा शहरीपन के आधार पर करते थे, जो शहर में रहते थे उनके आधार पर करते, तीन मात्र ये कारण थे जिसके कारण से उस समय पश्चिमी यूरोप के लोगों को सब मनुष्य की पहचाने कैटेगरी में आता था। पहला है साक्षरता, दूसरा है संगठित धर्म और तीसरा है शहरीपन। इन सब के आधार पे ही इनका उपयोग वहाँ के सब पुरुषों पर किया जाता था। भाषाएं जो थी वो उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएँ बोली जाती थी, परंतु वह लिखी नहीं जाती थी। देखिए, बोलने के लिए तो हमारे भारत में भी कई भाषाएं हैं, जैसे कि मैथिली है, भोजपुरी है, खड़ी हिंदी है और बहुत सारे और हिंदी है, तो लेकिन बोलने को तो हम बोल लेते हैं, लेकिन लिखते तो हम एक ही हिंदी है ना, देवनागरी वाली हिंदी। तो यही है कि वहाँ पे जो अमेरिका में भाषाएं थी वो तो उत्तरी अमेरिका में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन वहाँ पे लिखी एक ही भाषा जाती थी। तो उनके सभ्य होने का आपको पता चल गया कि पहला उनका साक्षर होना, दूसरा उनका संगठित धर्म और तीसरा उनका शहरीपन। यही तीन वो व्यवस्था थी जिसके आधार पर वहाँ के लोगों को सभ्य और असभ्य माना जाता था। आगे हमारा गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। अब ये गोल्ड रश क्या है, 1840 में क्या हुआ, कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले। सोने के चिन्ह मतलब गोल्ड से बना हुआ कुछ वस्तु मिला और तथा गोल्ड रश का प्रारंभ हुआ, और यहीं से ये जो गोल्ड रश है इसका समय का शुरुआत हुआ। कब, 1840 में, जब कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। अब रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया, औद्योगिक नगरों का विकास किया गया, कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई।
जब वहाँ पे रेल लाइन बनाया जाने लगा तो अब कारखाने भी बने, फैक्ट्रियाँ भी लगी और कामों में विकास हुआ। यही था गोल्ड रश और उद्योग में वृद्धि। कब हुआ? 1840 में कैलिफोर्निया से शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है एबोरिजिनीज क्या है। एबोरिजिनीज ध्यान समझिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की शुरुआती मनुष्य या आदि मानव को एबोरिजिनीज कहा जाता था। ऑस्ट्रेलिया की बात है, यहाँ के महाद्वीप पर जो शुरुआत के मनुष्य रहते थे, जो मनुष्य थे या फिर आपका ये आदि मानव, जो आदि मानव इन जगहों पर रहते थे उन्हें ही हम एबोरिजिनीज के नाम से जानते हैं। ध्यान समझ लीजिएगा, एबोरिजिनीज किसे कहते हैं? एबोरिजिनीज वो लोग थे जो शुरुआती समय में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर रहते थे। इसमें मनुष्य भी हो सकता है और आदि मानव भी हो सकता है। इन दोनों को हम उस समय के एबोरिजिनीज के नाम से ही जानते थे। औपनिवेशिक क्या है? औपनिवेशिक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, औपनिवेशिक एक ऐसा साधन है जिससे दूसरे देश को नियंत्रित करने वाले देश से संबंध रखता है। मतलब मेरा एक जो देश है, अब मैं इस देश में बैठ के किसी अन्य देश पर शासन हुकूमत करता हूँ और वहाँ के सांस्कृतिक, वहाँ के राजनीतिक चीज़ों को यहीं से हैंडल करता हूँ, उसे हम औपनिवेशिक कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे देश को नियंत्रित करने वाले देश से संबंधित। सपोज कर लीजिए कि हमारा देश जब अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उस समय अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज़ हमारे देश में अपने हिसाब से उनकी संस्कृति को मनवाने की कोशिश करते थे, वो हमारे राजनीतिक कार्यकलापों में दखलअंदाजी करते थे। तो एक प्रकार से ये क्या कहलाएगा? ये औपनिवेशिक कहलाएगा। औपनिवेशिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा ओरल हिस्ट्री क्या है? ओरल हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। ओरल हिस्ट्री, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सही तरीके से इसे पढ़ लें। तो इतिहास लिखने के लिए या दूसरे को निर्देशित करने के लिए, ताकि इसे रिकॉर्ड किया जा सके। ओरल हिस्ट्री क्या था कि जो लोग इतिहास लिखते थे या फिर उसे रिकॉर्ड करके रखते थे ताकि इसे आगे निर्देशित किया जा सके, मतलब आगे की जानकारी में इसे संलग्न किया जा सके। आगे इस प्रकार की अगर कोई जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी तो इस रिकॉर्ड से हमें मदद मिलेगी, इसलिए ओरल हिस्ट्री लिखा जाता था। इतिहास लिखने का वह तरीका जिसे दूसरे को निर्देशित किया जा सके, मतलब दूसरे को बताया जा सके कि इस समय में ये काम इतने समय में हुआ था और इसे रिकॉर्ड किया जा सके, क्या कहलाता है? ओरल हिस्ट्री कहलाता है। ये था हमारा ओरल हिस्ट्री। अब है हमारा सब्सिडी अर्थव्यवस्था क्या है। सब्सिडी अर्थव्यवस्था समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना आवश्यक हो उतना उत्पादन करना। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे 100 लोग रहते हैं किसी कॉलोनी में, किसी झुग्गी में, किसी झोपड़ी में, आप समझ लीजिए इस बात को, ये 100 लोग रहते हैं। अब 100 लोगों को खाने के लिए जितने राशन की आवश्यकता है उतने राशन को उत्पादन करना, मतलब उतनी खेती किया जाना ही हमारा सब्सिडी अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब कि उनके बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, जो उनके रोज़मर्रा मतलब दैनिक जीवन में जो उनको ज़रूरत पड़ती है उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उतना ही उत्पादन करना सब्सिडी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये था हमारा सब्सिडी अर्थव्यवस्था। अब है हमारा बहुसंस्कृतिवाद क्या है। देखिए, बहुसंस्कृतिवाद बहुत ही उम्दा टॉपिक है, ये अक्सर बहुत बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है। एक नीति जो मूल यूरोपीय और एशियाई प्रवासियों की संस्कृतियों के लिए समानता का उपचार का अर्थ है। एक ऐसा नियम, एक ऐसी सोच जो मूल, जो यूरोप के जो मूल निवासी थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, जो वहाँ के बासिंदे थे, और एशियाई प्रवासी जो एशिया के प्रवासी थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाके बसने वाले को हम प्रवासी कहते हैं, मैंने आपको पहले समझाया है कि संस्कृतियों के लिए समानता के उपचार का अर्थ है बहुसंस्कृति। मतलब दोनों की संस्कृति बहुत समान हो जाए, मिलता जुलता हो, इसी को हम बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। बहु का मतलब हो गया बहुत और संस्कृति का मतलब आपको पता है, इनको मिला के बहुसंस्कृतिवाद जैसे शब्द की रचना की गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुसंस्कृतिवाद भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसके पार्ट वन तो समाप्त हो चुके हैं, अब हमें पार्ट टू की तरफ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन पार्ट टू की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको जानकारियाँ प्राप्त हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें
और आप यदि हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो ये हमारा पार्ट वन था, अब हम आपको पार्ट टू में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।